Hello students, so our next topic is modern atomic theory, that is modified Dalton theory, clear? जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, हमने पढ़ा था कि उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है, तो बेटा उसमें कुछ थ्योरी में प्रॉब्लम्स आई थी जिसकी वजह से वो उस थ्योरी को आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया था। तो उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए थे जैसे जे जे थॉमसन आया था, रदरफोर्ड आया था, नील बोर आया था, उसने जॉन डॉल्टन के वो पॉइंट्स को रिव्यू करा और आगे क्या करा, जनरली उस थ्योरी को मॉडिफाइड किया, ठीक है। तो वो थ्योरी कैसे मॉडिफाइड हुई देखिए, एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल, एटम्स आर नॉट कि जो आपके पास सेम एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के डिफरेंट एटॉमिक मास भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है आपके पास, ये एलिमेंट्स क्या है, सेम है। यहाँ पर देखिए इस हाइड्रोजन का मास यहाँ पर क्या है, वन, यहाँ पर क्या है, टू, यहाँ पर क्या है, थ्री, जबकि एटम्स क्या है, सेम है, क्लियर, तब भी इनका मास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। जबकि डॉल्टन थ्योरी ने क्या कहा था कि जो सेम एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनका सेम ही साइज होगा, सेम ही शेप होगी, सेम ही मास होगा, लेकिन यहाँ पर इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, मॉडिफाइड कर दिया गया कि ऐसा हो सकता है, मे बी, ठीक है, तो ऐसा ये हो सकता है कि जो सेम एलिमेंट्स हैं उनके मासेस क्या हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, और जिनको नाम दे दिया गया आइसोटोप्स, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट को क्या कहता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव द सेम एटॉमिक मास, कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनके मासेस भी क्या हो सकते हैं, जनरली सेम हो सकते हैं। लेकिन डॉल्टन हमें क्या बोल रहा था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो उनके एटम्स होंगे, उनके मासेस, साइज, शेप सब क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन ये इस पॉइंट को क्या किया है, मॉडिफाइड किया है, कैसे, कि यहाँ पर देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनके मासेस क्या हैं, 40-40 सेम आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उसको हम नाम दे देंगे आइसोबार्स। क्लियर बेटा, मासेस अलग अलग होते थे, एटॉमिक नंबर सेम होते थे, इनको आइसोटॉप का नाम दिया गया। अब जहां पे एटॉमिक नंबर अलग अलग है और मासेस क्या है, जनरली आपके पास सेम है, उसको क्या नाम दिया गया, आइसोबार्स। क्लियर, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द रेशियो इन व्हिच डिफरेंट एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, दे मे नॉट बी अ सिंपल हॉल नंबर रेशियो। क्लियर, तो हमें डॉल्टन थ्योरी क्या कह रही थी कि अगर एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक सिंपल हॉल नंबर रेशियो बियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस थ्योरी ने इस पॉइंट को क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, वो क्या कह रहा है कि मे नॉट बी सिंपल, कि ऐसा जरूरी नहीं है, सिंपल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के शुगर है C12H22O11, ये फॉर्मूला है, इसकी रेशियो क्या है, 12:22:11, तो दैट इज नॉट अ सिंपल हॉल नंबर रेशियो। क्लियर, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, एटम इज नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, और हमने डॉल्टन थ्योरी में क्या पढ़ा था कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि एटम को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, बट ये क्या कह रहा है, एटम इज नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और किसमें, जनरली कन्वर्टेड इन टू द एनर्जी, एनर्जी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एयर इज इक्वल टू द mc स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन, ई इज एनर्जी, एम इज अ मास, एंड सी इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है बेटा, कर लोगे, चलिए ये तो क्या आपके पास मॉडर्न डॉल्टन थ्योरी की, जो हमारे पास डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसी को क्या किया गया, मॉडिफाइड करके एक नई थ्योरी को रिप्रेजेंट किया गया। क्लियर है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, कोई प्रॉब्लम हुई तो यू कैन डू कमेंट्स एंड आस्क। ओके, थैंक यू।